हाँ जी प्यारे किसान भाइयों, जो 13 अक्टूबर 2020 को हमारे HAU की तरफ से कृषि मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, और मैं बहुत पुराने समय से HAU से चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं, और मैंने यहां जो कुछ सीखा है उसी के आधार पे मैं अपनी गांव में खेती करता हूं, जो बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत मुनाफा मैं ले रहा हूं। मैंने 2010, 2011 और 2012 में वाटर मैनेजमेंट पे 3 साल लगातार ट्रेनिंग ली, जल प्रबंधन पे। इसमें मतलब कम पानी में और ज़्यादा पैदावार कैसे लें, ये मैंने सीखा और वो मैं कर रहा हूँ। जैसे खुले नाके से हम खेत में अपने में पानी लगाते हैं तो एक किल्ला भरने में कम से कम 4 लाख लीटर पानी लग जाता है खुले नाके से, और वो भी लेजर लेवलिंग गोड़ी से, कंप्यूटर गोड़ी से किल्ला एक सार किया हुआ है तब, नहीं तो नीची जगह पे पानी ज़्यादा चला जाएगा और फसल भी मरेगी, और ऊंची जगह जो टेकड़ी वगैरह होती है उन पे पानी नहीं चढ़ेगा तो वो वैसे सूख जाएंगे। तो लेजर लेवलिंग किल्ला 4 लाख लीटर पानी से भरता है, और हम कम पानी की जो मैं कह रहा हूँ कि ड्रिप सिस्टम है, तो मैंने गरौंडा फार्म का विजिट HAU की तरफ से किया था, उसमें वहाँ एक किले में शिमला मिर्च लगी हुई थी, और वहाँ के उस साइंटिस्ट ने जो इंडो इजराइल टेक्नोलॉजी पे फार्म चल रहा है, और वहाँ तैनात साइंटिस्ट ने मुझे बताया कि इसमें 1000 लीटर पानी की प्लास्टिक की टंकी एक बाथरूम पे रखी हुई थी, वो ड्रिप के द्वारा उस किले में लाइन बिछा रखी थी, तो वो 1000 लीटर पानी से पूरे किले की पौधों की जड़ों को ही देना होता, पानी ज़मीन को नहीं देना होता, ज़मीन के पानी को तो खरपतवार ले लेती है, लेकिन पौधों की जड़ को दिया गया पानी पौधा खुद लेता है। पौधे के अंदर ऑटोमेटिक ही 90% मात्रा पानी की होती है, और 45% पानी पौधा ज़मीन से लेता है, 55% पानी को तो ज़मीन और खरपतवार ही पी जाती हैं। तो वहाँ सभी पौधों की जो शिमला मिर्च थी एक जैसी बढ़वार, एक जैसा रंग, एक जैसा ही फल उठा रखा था। तो उसने बताया आप लोग खाद कितनी डालते हो एक एकड़ में, तो मैंने कहा भी 50 किलो यूरिया का एक कट्टा, तो 4 लाख लीटर तो पानी लग गया और 50 किलो खाद लगी। वो साइंटिस्ट कहने लग गया हम 2 किलो इस टंकी के अंदर 2 किलो यूरिया घोल देते हैं, जो सीधी पानी के साथ पौधे की जड़ में जाती है, और उस 50 किलो का कट्टा जिसको ज़मीन और खरपतवार खा जाती हैं उससे ज़्यादा मुनाफा वो पानी और वो खाद दे रही थी। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ उसको देखकर, और उसी प्रकार फिर मैं अपने खेत में करता हूँ। थोड़ा सा पानी ट्यूबवेल का अगर ज़्यादा हो, ये तो था ड्रिप का, और ज़्यादा हो तो फिर फवारों से कर लेना चाहिए, फवारों से कम पानी में अच्छी पैदावार हम ले सकते हैं। और थोड़ा सा पानी भाई ज़्यादा हो तो वाटर शेड वगैरह का प्रबंध हो तो उससे कर लेते हैं, वो भी हम वर्षा के समय पानी इकट्ठा कर लेते हैं, वो काम आ जाता है। या फिर बेड प्लांटेशन, बेड के ऊपर खेती करते हैं तो नालियाँ से बीचों बस्ती हैं उनके अंदर से पानी जल्दी घूम जाता है और कम पानी में अच्छी पैदावार हो जाती है। और या फिर हमें जहाँ पानी की हमारे पास कमी है तो हमें ऐसी फसलें बोनी चाहिए जो कम पानी में और ठीक पैदावार दे दें, जैसे 306 देसी गेहूँ है, एक ही पानी में पक जाती है। बाजरा है, 60 दिन में पकने वाली फसल है, बरसात हो जाए तो तैयार हो जाएगी, नहीं तो एक पानी में बन जाएगा। गवार है, गवार के अंदर 1 किलो गवार पैदा करने में 200 लीटर पानी खर्च होता है, और 1 किलो ईंख गन्ने का रस तैयार करने में 400 लीटर पानी खर्च हो जाता है खुले नाके से, और 1 किलो भैंस का दूध हम अगर तैयार करें, पशुपालक हैं हम किसान हैं, तो 400 लीटर पानी जब खर्च होता है तो 1 किलो भैंस दूध देगी 1 किलो दूध पर। और कॉटन है, नरमा, नरमा खुले नाके से हम पानी लगाएँगे ना तो 1 किलो नरमा के ऊपर 1000 लीटर पानी का खर्चा है, और 1 किलो गेहूं पैदा करने के लिए 1000 लीटर पानी का खर्चा है। कम से कम लेजर लेवलिंग किए हुए किले में 3000 लीटर पानी से 1 किलो धान तैयार होता है। तो इस प्रकार खुले नाके से ज़्यादा पानी लगता है, और कम पानी में जैसे मक्का बोदें तो मक्का तो कम पानी में बन जाएगी, धान के बजाय नक्का बोएँ तो मक्का कम पानी में बन जाती है। तो कम पानी में होने वाली फसलें हम बोएँ तो हम कम पानी से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। इसी प्रकार सरसों है,
HR30 यूनिवर्सिटी का जो बीज है, ये भी कम पानी में ही काम चल जाता है। एक नया बीज 725 आया, वो भी बहुत पैदावार है उसकी। तो यहाँ हम सीखते हैं, हमें कृषि मेलों में और कृषि के जो साइंटिस्ट हमें समय समय पर कैंप लगाते हैं, सेमिनार करवाते हैं, दूसरे आयोजन किसानों के लिए करते हैं, तो वो सीखने चाहिए और उनको अपनाना चाहिए असली रूप में, तब हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। मैं जुड़ा हुआ हूँ यहाँ नई दिल्ली जो हमारी है, वहाँ से फार्मर फर्स्ट नाम की एक स्कीम HAU को मिली हुई है और HAU ने वो किसानों को दी है। तो हमारे ज़िले हिसार में, वो मेरे गांव बूरे में वो स्कीम लागू है, फार्मर फर्स्ट परियोजना, उसका संपर्क सूत्र मैं ही हूँ। उस गांव और किसानों और यूनिवर्सिटी के बीच में उसका रिसोर्स पर्सन मैं हूँ। तो मैं किसानों को बीज खाद यहाँ से जो फ्री मिलता है, कभी 50 किसानों को, कभी 200 किसानों को, कभी 100 को, 2 साल से मेरे गांव में चल रही है, तो मैं किसानों को सीधा दिलवाता हूँ। बीच में उसमें रखते नहीं हैं हम, कोई रोड़ पोड़ नहीं करते। जितना यूनिवर्सिटी ने दिया, 2 DAP के कट्टे, 4 यूरिया के, 2 कट्टे गेहूँ के, इस प्रकार उन किसानों को जो मैं नाम लिख कर देता हूँ, साइंटिस्ट उनको बांट देते हैं, जो योग्य किसान हैं उनको। और दूसरी बार कोई बीज आता है ना, तो मैं वो बीज नए किसानों को देता हूँ, जिनको मिल लिया उनको नहीं दिलवाता हूँ। तो इस प्रकार से हमें हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी और किसानों को बहुत राहत मिली, बहुत सीखने को भी मिला और बचत भी मिली। तो मुझे कई बार HAU वाइस चांसलर ने और कमल गुप्ता विधायक थे, उन्होंने सम्मानित किया 2018 में। 2019 में वाइस चांसलर और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने मुझे अवार्ड दिया, सम्मानित किया यूनिवर्सिटी के अंदर। और अब आज ही मेरा हैदराबाद तेलंगाना से, वहाँ जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसने फार्मर फर्स्ट परियोजना में और ये नारम की तरफ से ये अवार्ड दिया है, सर्टिफिकेट दी है, मेरा मान सम्मान किया है, क्योंकि मैं हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा सिखाए गए तरीक़ों से खेती करता हूँ और एक प्रगतिशील किसान के रूप में मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो आप लोग भी मेरा अनुसरण करें और मेरी तरह से खेती करें, और मैं किसानों को, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, प्रगतिशील किसानों को मेरी सलाह से HAU भारत भ्रमण भी करवाती है, अंतर्राज्यीय भ्रमण, उन पर भी मैं लेकर जाता हूं टीम को। 45-50 किसान सालाना मेरे साथ जाते हैं। तो ये मेरा अवार्ड है जो आप लोग देख रहे हैं, तो आप भी ऐसे खेती करें तो आपको मिल सकता है। नमस्कार।